जालौन नगर कोंच में जिला अध्यक्ष यूथ इमरान कुरैशी की मौजूदगी में नागरिकता बिल का विरोध प्रदर्शन करा। रिपीट, जालौन नगर कोंच में जिला अध्यक्ष यूथ इमरान कुरैशी की मौजूदगी में नागरिकता बिल का विरोध प्रदर्शन करेंगे सभी मुस्लिम समाज के लोग। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, इस सरकार में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफी लगातार हो रही है, वहीं भाजपा की ये ऊंची राजनीति का उदाहरण है। क्या आप AIM में जुड़े भी हैं क्या? बेसिकली अभी तक हमने कोई ऐसी जिम्मेदारी ली नहीं है पार्टी में, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि पसंद करते हैं आप इसकी नीतियों को, इसके विचारों को हम लाइक करते हैं, और ख़ास तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी को, क्योंकि हमने देखा है मुसलमानों की अगर तलाक के बिल की बात की जाए, अगर मस्जिद के अपोज की बात की जाए, या जो अभी पिछले दिनों रिसेंटली हमने एक मसला देखा है जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे जजमेंट आया है मंदिर के पक्ष में, तो उसके विरोध में हो, तलाक के विरोध में हो, या तमाम ऐसे मुद्दे हैं अगर कोई उठाने वाला है तो बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब जो पूरी शिद्दत के साथ इस मसले को, मुसलमानों के स्पेशली मसले को, या माइनॉरिटी में अगर देखा जाए दलित और जितने भी वंचित लोग हैं जो हाशिए पे हैं, उन सब के मुद्दों को अगर कोई उठाता है हिंदुस्तान के अंदर संसद में, संसद की इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो असदुद्दीन उवैसी। इसलिए हमें लगता है कि हम इसकी नीतियों को, इस पार्टी को पसंद करते हैं। आप जिलाध्यक्ष यूथ AIM से, तो अभी आपने कुछ लोगों को जोड़ा भी है, हाँ, वो कौन कौन लोग हैं? जनाब अली हसन राइन साहब जो जिला सचिव बनाए गए हैं, और आप आइए नगर सचिव बनाए गए हैं वसीम मंसूरी साहब, इसी के साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द गठन की तैयारी की जाएगी, और 2022 में जो चुनाव आ रहा है प्रधानी से लेके जिला पंचायत और विधानसभा में भरपूर ताकत से MIM चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह।